दोस्तों, द्वारका एक ऐसा प्राचीन धार्मिक शहर है जिसे कभी श्री कृष्ण भगवान ने बसाया था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि ये पूरी नगरी जलमग्न हो गई। समुद्र की गहराई में इसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं द्वारका नगरी का ऐतिहासिक रहस्य क्या है। मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो विशाल और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारका नगरी। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ये खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारका की कहानी 9000 साल पुरानी है। ये शहर उस प्राचीन विकसित सभ्यता से जुड़ा है जिसका निर्माण जब यहाँ कोई दूसरा विकसित शहर नहीं था। ये भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था जो हूबहू आज के आधुनिक शहर जैसा ही था। पौराणिक समय में कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें आज हम महज एक मिथ मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि धरती के विकास के साथ ही ये सभ्यताएं और पौराणिक इतिहास हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन हो गया, जिन्हें लेकर आज भी खोज जारी है। समुद्र की गर्त में खोज करने पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जो इन पौराणिक कथाओं को सच साबित करते हैं। इन्हीं में से एक है द्वारका नगरी का रहस्य, हिमयुग की समाप्ति से नष्ट हुई द्वारका। कहते हैं कि 9000 साल पहले हिमयुग की समाप्ति हुई, जिसके बाद समुद्र का जलस्तर इस कदर बढ़ गया कि कई विकसित शहर समुद्र में समा गए। इन्हीं में से एक तटवर्ती नगर द्वारका भी था। इतिहासकारों का कहना है कि द्वारका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया। द्वारका का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया। इसे कृष्ण की कर्म भूमि के तौर पर भी जानते हैं। द्वारका भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। बाकी 6 नगर के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। कुछ लोग द्वारका को द्वारकावती, कुशस्थली, अनारतक, ओखामंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप और वारिदुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवारें थी जिसमें कई द्वार थे। कई द्वारों का शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। कहते हैं कि समुद्र में आज भी इसकी दीवारें खड़ी हैं। यादवों की रक्षा के लिए द्वारका पहुंचे कृष्ण। श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली। वो मौका मिलते ही मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे तो आखिर में यादवों की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। कृष्ण के देहांत के बाद द्वारका का क्या हुआ? कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारका आ गए। यहाँ सब लोग आराम से रहने लगे। समय बीतता गया और 36 साल तक राज करने के बाद कृष्ण जी का देहांत हो गया। ये वो दौर था जब यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारका पर समुद्र और आसमान से आक्रमण किया गया। कहते हैं कि मृत्यु के बाद उनके प्रपौत्र ब्रजनाभ द्वारका के यदुवंश का अंतिम शासक थे, जो यदुवंशियों की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए। द्वारका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन, व्रज और शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। इनके जाने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर पूरी की पूरी नगरी समुद्र में क्यों और कैसे समा गई? द्वारका नगरी के नष्ट होने पर मत सवाल उठता है, भला कोई कैसे इतने बड़े शहर के अस्तित्व को खत्म कर सकता है? कोई कहता है कि किसी प्राकृतिक घटना का कारण हो सकता है, तो किसी का कहना है कि इसे एलियंस ने नष्ट कर दिया होगा। जब इसके नष्ट होने कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले तो वैज्ञानिकों ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए समुद्र की गहराई को टटोलना चाहा। इस दौरान खोजकर्ताओं को समुद्र के सैकड़ों फीट नीचे कुछ ऐसे अवशेष मिले जिन्होंने सबको चौंका दिया। समुद्र में मिले अवशेष। द्वारका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहले नजर भारतीय सेना के पायलटों की पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही 1970 के जामनगर के गैजेटियन में इनका उल्लेख किया गया था। इससे पहले लोगों का कहना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर एसआर राव ने सच साबित कर दिया। दरअसल प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1979-80 में समुद्र में 560 मीटर लंबी दीवार की खोज की, जहां उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष मिले। इस खोज के दौरान प्रोफेसर राव ने
कई रहस्यों से पर्दा उठाया। नौसेना और पुरातत्व विभाग की संयुक्त खोज 2005 और 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशन में भारतीय सेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाये द्वारका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला। 2005 में अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले। इस दौरान लगभग 200 सैंपल जमा किए गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में इन अवशेषों को खोजा और वहां पड़े भवनों के टुकड़े के सैंपल जमा किए, जिन्हें पहले चूना पत्थर बताया गया था। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये टुकड़े बहुत ही विशाल समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। इन सैंपल्स को देश की लैबोरेटरी में भेजा गया। वहीं खोज से जुड़े आंकड़ों कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सामने भी पेश किया गया। इन विशेषज्ञों में अमेरिका, इजराइल, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी शामिल थे। सैंपल्स को विदेशी प्रयोगशालाओं में भेजने का असली मकसद था इस पर किसी भी तरह का कोई शक ना रहे, सारी भ्रांतियां दूर हो जाएं। द्वारका पर रिसर्च। सन 2001 में सरकार ने गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण से होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी को चुना। जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तब सोनार पर मानव निर्मित नगर पाया गया। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये नगर 32,000 साल पुराना है और 9,000 साल से समुद्र में दफन है। हालांकि इस मामले पर आज भी शोध जारी है। अब देखना यह है कि द्वारका नगरी के नष्ट होने की गुत्थी सुलझने में और कितना समय लगता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।